नमस्कार, स्टेट न्यूज 18 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिंधिया। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिंडोरी जिले के समनापुर में झोलाछाप डॉक्टर रमन विश्वास की करतूत कैमरे में कैद। बंगाली डॉक्टर के कर्मचारी के द्वारा हाथ में प्लास्टर लगाया जा रहा है और दवाखाना में बैठे दर्जन मरीज मीडिया को देखते ही डॉक्टर ने मरीजों को दवाखाना से भगा दिया। समनापुर में बंगाली डॉक्टर रमन विश्वास ने बिना अनुमति के 20 बिस्तर का नर्सिंग होम चलाने सहित अन्य अनियमितताओं की शिकायत दवा विक्रेता एसोसिएशन संघ ने डीएमओ सहित पुलिस और उच्च अधिकारियों को शिकायत की है। वहीं आरोप ये भी है कि झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से अनेक लोगों को दवाई रिएक्शन से मरीजों को नागपुर जबलपुर में इलाज कराकर अपनी जान बचानी पड़ी है। उसके बाद भी डॉक्टर रमन विश्वास के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये जो आरोप आपके ऊपर लगाया कि 20 बिस्तरों का अस्पताल चला है, नहीं सच है, ये सच नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ मरीज आपके इलाज से नागपुर गए हैं और अभी एक पेशेंट जबलपुर आईसीयू में भर्ती है, विश्वकर्मा जी, और आपके इसके पहले चौबे जी हैं वो नागपुर से इलाज करा के आए हैं आपके इलाज के। नहीं सर, वो उनके तो पथरी की बीमारी था। अच्छा। पथरी था उनके, 27 mm की पथरी है, वो ऑपरेशन करने गए हैं। उनकी रिपोर्ट पे ये पाया गया कि हैवी डोज की वजह से उनको ये किडनी में इन्फेक्शन हुआ है। नहीं, ऐसे कोई रिपोर्ट तो हमें जानकारी नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए आप किस बेस पे इलाज कर रहे हैं, क्या डिग्री है आपकी? हमारे इलेक्ट्रा होम्योपैथी के आधार से करता हूँ। झोलाछाप डॉक्टर रमन के खिलाफ में कुछ लोगों ने शिकायत की है, क्या? हाँ, समनापुर के माधव राव करके हैं, राय, उन्होंने और कोई मेडिकल वाले मदन मोहन राय, और मैं नहीं था उस दिन, 2-3 दिन पहले थाने में आके शिकायत की है। मैं कोर्ट गया था लेकिन मुझे सूचना मिल गई थी तुम कि उनके पास बिना वैधानिक लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है और यहाँ जो है जनता का शोषण किया जा रहा है और अवैध तरीके से इलाज किया जाता है। तो वो आवेदन पत्र ले लिया गया है। सहायक उप निरीक्षक कमलेश मरकाम उसकी जांच कर रहे हैं। उनके जो जो आरोप उसके डॉक्टर के ऊपर लगे हैं उन आरोपों के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है धारा 91 का, और रमन विश्वास से उसका 3 दिन के अंदर उत्तर मांगा गया है। यदि वो अपने उत्तर देने में सक्षम नहीं होंगे तो उनके विरुद्ध जो वैधानिक प्रक्रिया उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। सर, समनापुर में कुछ लोगों ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ में शिकायत की है, क्या है मामला? हाँ, ये 2 दिन पहले की घटना है। यहाँ के जो मेडिकल स्टोर एसोसिएशन वाले लोग आए थे कि यहाँ पर झोलाछाप डॉक्टर रमन विश्वास के उसके डिग्री और कौन से विधा से वो करने का उसके पास लाइसेंस है, और वर्तमान में वो सब की जानकारी RTI के माध्यम से उनके द्वारा चाही गई है, जो कि अभी उनको सूचना दे दी गई है संबंधित को कि भाई उनके पास कौन सी डिग्री है वो ला के हमें दिखाएं और उसका और कौन से विधा से कर रहा है। थाने पे और तहसीलदार SDM को भी शिकायत की है हमने। हाँ, जो भी वो मेरे पास एक दिए हैं वो मेरे को पता है, बाकी थाने और SDM को दिए हैं कि नहीं इसकी जानकारी मेरे को नहीं। अभी 11 तारीख को समनापुर के स्थानीय नागरिकों के साथ मिलकर हम लोगों ने समनापुर के थाना प्रभारी, समनापुर के BMO और तहसीलदार साहब को एक ज्ञापन सौंपा है जो डॉक्टर रमन विश्वास के खिलाफ है, जो कि समनापुर में 20 बेड का अवैध नर्सिंग होम चला रहा है। उसके पास एलोपैथिक चिकित्सा की कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है। हमारी मांग है कि उन पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके पूर्व में बहुत सारे लोगों का गलत इलाज उनके द्वारा किया गया है और इस तरह की संभावना व्याप्त है, ये क्षेत्र पूरा खतरे में है चिकित्सा को लेके, तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसी हमारी मांग है। ये आप ही के द्वारा अभी अवगत कराया गया है, हम लोग CMHO के माध्यम से इसकी जो जाँच कराएंगे और जाँच में जो भी तथ्य पाया जाता है तत्पश्चात कार्रवाई। डिंडोरी से ब्यूरो रिपोर्ट।